जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप हर वक्त सोचते रहते हैं, ये कोई भी है, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? जिनसे आप इतना प्यार करते हैं कि उनका ख्याल आपके दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है, तो क्या वो भी आपके लिए इतने ही सीरियस हैं? क्या वो भी आपसे इसी तरह की मोहब्बत करते हैं? क्या वो भी आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं? करते भी हैं फिर नहीं, कितना झूठ कितना सच? आज सारी सच्चाई आपके सामने होगी, ठीक है? तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, उनको सोचिए मन ही मन में, तीन बार उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन, एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी आराम से रीडिंग देखिए। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग में बताई गई सिचुएशन आपसे टोटली रेजोनेट करती है, कभी कभी नहीं करती है क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो जिस दिन करे उस दिन अच्छी बात है, जिस दिन ना करे उस दिन समझदारी ज़रूर दिखाइए, ठीक है? तो डियर, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग लेने का क्या प्रोसीजर है। और कभी कभी आपको रिप्लाई थोड़ा लेट मिल सकता है क्योंकि एक दिन में पता नहीं कितने कितने मैसेजेस आ जाते हैं, तो इस वजह से आपका मैसेज, अगर आपने एक दो मैसेज करके डाल दिया तो सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो आप एक दो दिन ट्राई करते रहें, लाइक कॉल बार बार ना करें पर आप मैसेज करते रहें अगर आपको रियल में रीडिंग लेनी है हमसे, ठीक है? लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसकी कोई पेमेंट नहीं लगती, उसकी कोई फीस नहीं होती है। आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ करके टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉर्निंग में मेडिटेशन कराया जाता है, आप उसे ज्वाइन करिए, आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से पॉजिटिव तरीके से बदल दीजिए, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, जिनसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या वो भी आपसे इसी तरह से प्यार करते हैं? जितना सीरियस आप हैं उन्हें लेकर, क्या वो भी आपको लेकर उतना ही सीरियस हैं? क्या है उनके मन की फीलिंग्स, क्या उनके मन की भावनाएं इस रिश्ते को लेकर? क्या वो भी आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं? तो इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अच्छा, कल हमने आप सबसे पूछा था अपनी रीडिंग में कि आप लोग देश के, विदेश के, दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। आप सब लोगों ने इतने प्यार से बताया, क्या बताएं, दिल सुकून से भर गया, इतनी खुशी हुई कि हम रात में 1 बजे तक कमेंट पढ़ रहे थे। इतनी खुशी हुई कि बाप रे, इतनी इतनी दूर से लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हमें पता कितनी खुशी होती है कि एक तो हम कार्ड शो करके भी रीडिंग नहीं करते हम, क्योंकि हमने एक दो बार ट्राई किया ना, तो जितने भी मतलब आप लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारी फैमिली के लोग, उन्हें हमारी आवाज़ से प्यार है, उन्हें कार्ड्स देखने से कोई मतलब नहीं है, हमारे वीडियो से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कार्ड से नहीं, हमारी आवाज़ से प्यार है। तो इसीलिए सबने हमसे कहा कि दीदी, आप तो बस वैसे ही वॉइस रिकॉर्ड करके ही रीडिंग करिए। तो फिर हमें लगा कि हाँ ठीक है, वो तो और भी ठीक है, क्या कहें। वैसे ये बहुत मुश्किल होता है ये वाला, क्योंकि इसमें हमें दो दो बार एडिटिंग करनी पड़ती है। जब बहुत अवेयरनेस से कभी कभी रीडिंग करते हैं तो गलती नहीं होती, कभी कभी थोड़ी जुबान है लुटपुटा जाती है, क्या कहें उसे,
चिपक जाती है, कुछ और बोल रहे कुछ और निकल जाता है, और टाइम नहीं होता एडिटिंग करने का। तो ऑडियो एडिट करने में थोड़ा वक्त लगता है ना, फिर उसमें पिक्चर्स ऐड करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, आप सबको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम, थैंक यू सो मच। और हमें कल इतना अच्छा महसूस हुआ, बिल्कुल क्या बताएं, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल फैमिली जैसा, फैमिली तो है ही पर फिर भी बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सबने बताया कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से कहाँ से हैं, तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस मेसिंग धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कहीं ना कहीं सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। डियर, आज एक बहुत सही बात हम आपको बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनिए और इस बात को ध्यान से ही समझिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जिस कनेक्शन में हैं आप, पहले आप उनके बारे में जानें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप पाइल गलत चूज़ कर लेते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, क्या इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है? क्या इनकी एज 20 to 30 है? ठीक है, ज़्यादातर करके लोगों के लिए। और क्या ये बहुत अलर्ट टाइप, अलर्ट मतलब समझते हैं आप, बहुत केयरलेस, जिसे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती है, जो व्यक्ति बहुत सीरियस नहीं होता, अपनी मौज में मगन रहता है, अपनी खुशी के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपनी खुशी के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए वो कुछ भी करते हैं, समझ रहे हैं, चाहे फिर उसमें कोई हर्ट ही क्यों ना हो जाए। घुमक्कड़ एक नंबर के हैं ये, घुमक्कड़ मतलब इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, ट्रैवल्स करने का बहुत शौक है, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने का, बाहर घूमना फिरना, नए नए लोगों से दोस्ती करना। ठीक है, और थोड़ा सा अनस्टेबल एनर्जी वाले, कभी तो ये आपके लिए बिल्कुल दहाड़ मार के रोने लग जाएंगे कि तुम पागल हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। जब इनका काम पड़ता है ये, तब चीज़ें होती हैं, या फिर जब ये बहुत अकेलापन महसूस करने लगे, या फिर जब ऐसा हो कि कहीं से भी इनका कोई काम ना बन रहा हो और आपकी अचानक याद आ जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, जी सकता हूँ, वरना ये ढंग से बात भी नहीं करते होंगे आपसे, कहते होंगे रखो अभी दोस्तों के साथ हूँ, रखो अभी फैमिली के साथ हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, अभी बात नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें। 100 बातों में इनकी 80 बातें झूठी होती हैं। हाँ, और ये जैसे कि जब शुरू शुरू में आप इनके साथ रिश्ते में आए होंगे तो बहुत ज़्यादा केयरिंग बन रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा पजेसिव बन रहे होंगे कि तुम ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे हम क्या बताएं, आजकल हम ये पति पत्नी वाला खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है। खैर, आजकल लोग सोशल मीडिया पे मिले या फिर ऑफलाइन मिले, ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले, वो एक रात के अंदर ही पति पत्नी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आजकल तो भाई मिलने मिलाने का भी ज़माना चला गया, आजकल फ़ोन पर ही घटिया बातें हो जाया करती हैं। अब आप समझ लो, इतने भी दिलदार व्यक्ति नहीं हैं हम कि हम बोले हम उस चीज़ को, कपड़े उतारो, ये दिखाओ। अभी एक केस आया था हमारे पास ऐसा, बहुत मुश्किल से हमने उस लड़की को निकाला था वहाँ से, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई थी बहुत बुरी तरीके से। खैर, आज तो खुश है, उसका उसकी शादी भी हो गई, बेबी भी हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि आजकल, और फिर पता है क्या कि पागल हो, जब हम शादी करेंगे तो फिर किस बात की दिक्कत, जो शादी के बाद होता वो पहले कर लेते हैं, और क्या तुम नहीं चाहती, क्या तुम नहीं चाहते। तो फ़ोन पे आजकल इतनी बातें हो जाती कि फ़ोन पे ही लोग एक रात में पति पत्नी बन जाते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ।
इस तरह की चीज़ें, मतलब हक जताने के लिए पति पत्नी का भी खेल खेल लेते हैं लोग। ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही चलता है सब कुछ। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने मतलब कि बहुत पॉजेसिव नेचर दिखाया हो कि अगर तुम उससे प्यार करती हो, प्यार करते हो तो तुम ये काम नहीं करोगी, मुझे पसंद नहीं है, और आप एक आदर्श पति या पत्नी की तरह इनकी हर बात मानते रहे। इन्होंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, आपने कहा आज से मुझे पसंद नहीं होगा, आपने ये कहा कि तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। बिल्कुल इनके लिए आप हर एक शीशा तोड़ने के लिए तैयार थे। जो इन्हें पसंद नहीं है अपनी, चाहे आपको क्यों ना पसंद हो, आप अपनी उस पसंद को छोड़ने के लिए तैयार थे इनके लिए, क्योंकि क्या बताएं, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है 70% लोगों का, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली ये फायर साइन के हो सकते हैं और एयर साइन के हो सकते हैं, वाटर के भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। तो शुरू शुरू में मतलब इन्होंने इस तरह की बहुत बातें की होंगी, तो अब धीरे 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 बहुत सीरियस हो गए इनको लेके, और आपको लगा कि हाँ हम पति पत्नी जैसे ही हैं। अब बात आगे बढ़ाने के लिए तो फिर पति पत्नी बनना पड़ेगा, तो बन गया पति पत्नी का रिश्ता। इधर काफ़ी खेल तमाशा चला पति पत्नी वाला, और आजकल बात नहीं हो रही है, आजकल बहुत कम बातें हो रही हैं, ना ये आ रहे हैं ना पूरी तरीके से जा रहे हैं आपके दिल दिमाग से। इस रिश्ते में तो आप फंसे हुए, आप अटके हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आपने ना शायद इनके लिए क्या बताए, तन मन धन हर तरीके से खुद को समर्पित कर दिया। आप देखो मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर ना एक ऐसी ऊर्जा बसती है जिसके अंदर समर्पण बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी इमोशनल टाइप के व्यक्ति हमें लग रहे हैं, जैसे कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपने दिमाग लगाया ही नहीं, क्यों नहीं लगाया पता नहीं। अब अगर यहाँ तक चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आगे आप कंटिन्यू रखना। इनका जो स्वभाव हम आपको बता रहे हैं, बात बात पर झूठ बोलना, होंगे कहीं और बताएंगे कुछ और, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हैं इनके रिश्ते में, लाइक आपके साथ ही सीरियस कनेक्शन है, नहीं, इनके टाइम पास कई जगह चलते हैं, इनके अकाउंट कई जगह खुले हुए हैं, ठीक है, तो कई जगह ये मेल हो फीमेल हो इनकी बातचीत कई जगह चलती है। वही फ्लर्ट करना कई जगह चलता है, लेकिन शादी ये अपनी फैमिली के मर्जी से ही करेंगे, शादी ये अपनी फैमिली की इच्छा से रजामंदी से ही करेंगे, अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है, और अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये अपनी फैमिली को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये आप समझ लो। आजकल जो बातचीत नहीं चल रही है, आजकल जो इग्नोर किया जा रहा है आपको, वो करियर का झांसा देके कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता और मुझे भी बहुत कुछ करना है, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसे ये प्रपोज़ कर रहे हैं, आप तो हो सकता है कि अनभिज्ञ हो, आपको पता ही ना हो, तो ये मतलब कि निपट स्वार्थी व्यक्ति हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए आपके पैर भी धो के पी लेंगे, कि इनका वक्त तो आए ऐसा, जिस दिन इनको कहीं से कुछ दिखा नहीं सहारा। देखो हमारी बात सुनो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपको ऑप्शन की तरह देखता है कि जब कहीं बात नहीं बनेगी तो इधर तो बनेगी बनेगी, तो वो प्यार सच्चा नहीं होता है। उस इंसान को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुझ पे इतनी मेहरबान है, मुझ पे इतना मेहरबान है ये, कि मैं चाहे कितने भी पाप कर लूँ, एक बार मैंने इसके सामने चार आंसू टपका दिए, ये मुझे गले से लगा लेगी, ये मुझे गले से लगा लेगा, क्योंकि ये मेरे लिए पागल है, ये मेरे प्यार में पागल है। और अक्सर ऐसे लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है, हमने लिखा है ना कि कितना झूठ कितना सच, इधर 80% झूठ है
ये रिश्ता, और 20% वही है कि एज अ ऑप्शन। एक बात और सुनिए आप, एक दिन वो आएगा कि जस्टिस की दुहाई देंगे, जस्टिस की बात करेंगे और आप सबके साथ शादी करेंगे, इस तरह की बातें करके एक दिन आपका प्यार ठुकरा कर ये चले भी जाएंगे, आपका दिल तोड़ कर ये चले भी जाएंगे, ये कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे। और आज भी ये आपके लिए लॉयल नहीं है, इनको पहनने ओढ़ने का लाइक कपड़ों का बहुत शौक है, ठीक है, बहुत शौक है इनको, हर किसी पर दिल आ जाता है इनका, हर किसी पर। अब हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, बहुत सारे लोग, शुरू में इन्होंने जिस तरह की आपसे बातें की थी उससे तो स्वाभाविक था कि आप इन पर फिदा हो जाते, आप इन पर कुर्बान हो जाते। इनको बहुत अच्छी कलाएं आती हैं बातचीत करने की, ठीक है, इम्प्रेस करने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी सी है, मतलब बखूबी जानते हैं ये कि किससे किस तरह की बात करनी है, किसको किस तरह से इम्प्रेस करना है, किसको किस तरह से अपनी बातों में लाना है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस तो है पर इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। अब देखो, अगर आप मैरिड हो, आप मैरिड हो, आप किसी अनमैरिड बंदे से प्यार कर बैठे हो, इन्होंने शुरू शुरू में आपको जैसे ऐसा कहा हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल पता है टोटली इमेच्योर बचकानी एनर्जी है ये। लोग कहते हैं ना कि पहला प्यार बचपन का प्यार सच्चा होता है, नहीं, ऐसे प्यार ज़्यादातर करके सक्सेस नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो शुरू शुरू का बचपना होता है, जब आपको दुनिया की परख नहीं होती, हर चीज़ का एहसास अंदाज़ा नहीं होता, फिर धीरे 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 आप बड़े होते हैं, आपको हर चीज़ की पता चलती है, हर एक चीज़ का पता चलता है, आपको अनुभव मिलते हैं हर एक चीज़ के, तो आप कहोगे कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं था। और ये भी, जब दुनिया आप घूम लेते हैं, उसके जब आप हर जगह घूम लो, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से जान लो, उसके बाद जब आप किसी को चूज़ करो तो वो बड़ी बात होती है। उस वक्त क्या होता है कि इंसान के पास कुछ ऑप्शंस होते नहीं ज़्यादा, और जो व्यक्ति की काम ऊर्जा होती है ना, वो पक रही होती है, वो चरम पर होती है, लाइक टीनेजर्स में, टीनेज में काम ऊर्जा पक रही होती है, उस वक्त व्यक्ति किसी को भी मोहरा बनाता है, सच बताएं आपको, किसी को भी मोहरा बनाता है, ना वो एजेड देखता है, ना वो एज देखता है, ना वो जाति देखता है, वो कुछ नहीं देखता है, बस उस समय पे उसे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और वो पहला पहला प्यार होता है, तो उसमें प्यार भी होता है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होता, लेकिन ऐसे प्यार सिर्फ बचकानी हरकतें होते हैं, ये प्यार कभी सक्सेस नहीं होते, सच बताएं 95% ऐसे रिश्ते सफल नहीं होते हैं। अब देखो, वो 5% जो होते हैं ना, वो चाहे बचपन में प्यार हुआ हो, चाहे बुढ़ापे में प्यार हुआ हो, चाहे जवानी में प्यार हुआ हो, वो प्यार ना परिपक्व वाला प्यार होता है। वही कहते हैं कि जो परिपक्वता है, जो समझदारी है, वो उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर करके परिपक्व लोग, समझदार लोग मिलते नहीं हैं। कभी कभी कोई बच्चा भी बहुत समझदार देखा जाता है, कोई बूढ़ा भी बहुत बचकाना मिल जाता है, तो ये बात बिल्कुल अलग है। तो वो परिपक्व लोग जो पैदाइशी कई जन्म लेकर जो ओल्ड सोल होती है ना, और वो जो दोनों का जो मिलन हो जाता है, तो बचपन से लेकर अंत तक जो उनका रिश्ता चलता है, तो कहीं ना कहीं एक मैच्योर, एक परिपक्व आत्मा होती है, जो ओल्ड सोल जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे रिश्ते हैं किसी के, तो वो बात हम नहीं कर रहे, उनका तो ठीक है सफल हो जाता है, लेकिन 95% ऐसे रिश्ते सफल नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। तो डियर, अगर उन्होंने शादी की बात की हो, परिवार में बात करने की बात की हो, आपके साथ कोर्ट मैरिज की बात की हो, आपके साथ घर गृहस्थी बसाने की बात की हो, आपको लेकर श्योर है इस तरह की बात की हो, तो इन बातों को आप बहुत सीरियस मत लीजिए, आपका दिल टूटने वाला है, क्या पता टूट चुका हो, लेकिन
इनको बात करनी बहुत अच्छी आती है। ये झूठ को भी इस तरह से परोसते हैं कि आप अपने अंदर गिल्ट महसूस करने लग जाओगे कि बताओ मैंने इस पे शक किया, ये मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करता, मैंने इस पे डाउट किया। आप अपने आप में आत्मग्लानी महसूस करेंगे। इन्हें बातें ही करनी इतनी अच्छी आती हैं, हम आपको क्या बताएं। तो ये झूठ को भी सच बना के इस तरह से साबित करते हैं कि इसमें इनका कोई जवाब नहीं है। तो इस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है, समझ लीजिए आप, इस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में सच्चाई है तो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। एक समय पर आप बहुत रोने वाले हैं। हमें पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है इनसे, आपने क्या बताएं, हर तरह से इनको खुद को समर्पित किया है, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं बर्डन में हैं कि नहीं, ये बताइए। आज आप दो राहे पर अटके हुए हैं कि नहीं, क्योंकि चलो सामने वाले ने नहीं किया आपसे प्यार उस तरीके से, उनका प्यार इमेच्योर था, उनका बचकानापन था, उनका जो भी रहा हो, लेकिन आपने तो किया, तो आपको लगता है मेरी क्या गलती, मैंने तो प्यार किया था उससे। क्या करोगे ऐसे इंसान को पाकर जो आपसे प्यार ही नहीं करता उस तरीके से? क्या करोगे ऐसे प्यार का जिसमें आपको हर पल घुट घुट के मरना पड़े? जीना तो दूर की बात है, मरना पड़े आपको, ना आप जी पाओ ना आप मर पाओ। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो पता है, अपने अंतर आत्मा की आप आवाज़ सुनिए, हमारी बात सुनो, आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करिए और इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचिए। अगर आप इस रिश्ते में लंबा टिकते हैं, लंबा रहते हैं, तो आप ना अपने टूटने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इनका इंतज़ार करते हैं, इनके सुधर कर आने का इंतज़ार करते हैं, तो फिर हम यही कहेंगे कि अब आपके पास ज़्यादा समय है तो इंतज़ार करिए। वरना पता है, जब हमने यहाँ पर रीडिंग देखी कि अरे ये इंसान तो इनसे प्यार ही नहीं करता और ये इंसान बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आप बहुत अच्छे हैं, तो हमने माँ भगवती से, यूनिवर्स से क्वेश्चन किया कि फिर क्या, अगर कोई इंसान किसी की नीच भावनाओं का शिकार हो जाए तो उसके लिए क्या क्या इंसाफ है, उसके लिए क्या न्याय है, उसके लिए क्या उसका पूरा जीवन यूँ ही गुजरता है क्या? पता है, यहाँ पर आपके लिए बहुत प्यारा सा कार्ड आया है कि आप किसी और के लिए बने हैं, आपका ट्रू लव कोई और है, आप गलत इंसान को चूज़ कर बैठे थे। आपकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है, आपकी न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ होने वाली है, और जहाँ तक जून से लेके अगस्त के बीच आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, पक्की बात है, और वो होगा आपका सच्चा साथी, वो होगा आपका ट्रू लव, मान लीजिए वो इंसान होगा जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो। अब तक आप एक गलत रिलेशनशिप में थे, अभी कितना पुराना है, कितना नया है, इससे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। होता है कभी कभी कि गलत लोगों के साथ हम काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबक तो मिलता है ना, एक लेसन तो मिला है ना आपको इनसे। तो कोशिश करिए आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की, इस बर्डन से बाहर निकलने की। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऐसे दांव पे मत लगाइए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को थोड़ा ऊपर रखिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करिए। और क्यों आप एक ऐसे इंसान के लिए रो रहे हैं, ऐसे इंसान के लिए तड़प रहे हैं जिसे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है, जो अपने में मगन है, जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है? अगर उसका मन हुआ आपसे बात करनी है और आप उसे इग्नोर करोगे, तो कहो सुबह 4 बजे आपके दरवाजे पे खड़ा मिले, कहो रात भर इतने मैसेज कर डाले कि आपको लगे यार इससे ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, मूडी इंसान, समझ रहे हो, ऐसा मूडी इंसान। और अगर उसका मन नहीं आपसे बात करने का, वो बात नहीं करना चाहता, तो चाहे आप मरे पड़े रहो, फिर वो कहेगा नौटंकी मत करो मेरे सामने, नाटक मत करो, मुझे पसंद नहीं सब कुछ ये,
बस ऐसा इंसान, ठीक है। तो इन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता आपके रोने से, इन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता आपके ना होने से। तो इस रिश्ते की ये सच्चाई है, इस तरह का प्यार करते हैं आपसे। अब इसमें आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपको क्या करना है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आपके साथ, बस समझा सकते हैं और इतना ही कहेंगे कि अगर इनका नेचर जो हमने बताया है वो आपके पर्सन से मैच करता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क, अलर्ट, सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो कितना सच्चा प्यार करते हैं? इस प्यार में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस है? जिस तरह आपके अंदर है क्या उनके अंदर भी है? तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है, ठीक है। इधर भी सेपरेशन की स्थिति है, इधर भी बातचीत नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी हम आपकी एनर्जी की बात करें, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, मतलब बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में हैं। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। किसी के पीछे भागना, प्यार की भीख मांगना, गिड़गिड़ाना आपको पसंद नहीं है। ना आपने कभी ऐसा किया है, ना कभी करने वाले हैं। आप अंदर ही अंदर तड़प तो रहे हैं, लेकिन अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को आप कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। बहुत गुस्सा आता है आपको। शायद आप दोनों के बीच बहस हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मनमुटाव, जैसे कि उच्च इस तरह की बातें कि कुछ कहा सुनी हुई हो आप दोनों के दरमियान, उन्होंने कुछ गुस्से में बोल दिया हो, आपने कुछ गुस्से में बोल दिया हो। आप शायद इनसे ये बोल रहे होंगे कि जब प्यार ही नहीं था, या फिर जब तुम्हें रिश्ता निभाना ही नहीं था, जब तुम्हारे अंदर इतना डर था तो फिर क्यों रिश्ते में आए थे? ज़िंदगी बर्बाद करने, मेरे साथ खिलवाड़ करने आए थे तुम। लेकिन एक बात बताएं आपको, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर करके हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान ना मैरिड है, ये किसी ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ है, ये हस्बैंड और वाइफ हो, जो पूरी तरीके से डेविल है, जो पूरी तरीके से राक्षसी एनर्जी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। और ये ना आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आप सिर्फ, आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या वो भी मुझसे प्यार करते हैं, किस तरह का प्यार करते हैं, कितना झूठा प्यार है उनका, कितना सच्चा प्यार है, कितनी सच्चाई इस रिश्ते में, तो इतना समझ लीजिए कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मस्त है, मगन है, तो नहीं,
ऐसा भी नहीं है। पता है क्या है, अगर ये मैरिड हैं, एक बात समझिए, अगर ये मैरिड हैं तो देखो जहाँ भी शादी की है इन्होंने रीति रिवाजों के साथ की है। शादी दो व्यक्ति की नहीं होती, जो दो इंसानों की नहीं होती है, दो परिवारों की होती है, जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, परिवार, समाज के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब। तो इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा ही मतलब इश्यूज हैं, इस कनेक्शन में बहुत इश्यूज हैं। और ये इंसान इतना उलझा हुआ, इतना फंसा हुआ है कि ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल खुश नहीं था, ये मेल हो फीमेल हो, तभी तो ये आपकी ज़िंदगी में आए थे, तभी तो आए थे, तभी तो इन्होंने ये सोचा था कि जब इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, जब इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तो अगर मैं बाहर अपने किसी से रिश्ते बना लेती हूँ, बना लेता हूँ, तो मैं खुश रहूँगा अलग से, ये भी अपना खुश रहे, इसे जो करना है, ऐसा सोचा था इन्होंने। लेकिन इधर सब उल्टा पड़ गया। जैसे ही इनकी वाइफ फिर इनके हस्बैंड को पता चला कि आजकल ये खुश है, वैसे ही बवाल मच गया है, ये समझ लो आप, वैसे ही बवाल मच गया है। और इनके घर में काफ़ी कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। जो आपसे बात नहीं कर रहे ना, वो इसी वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ये क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी क्या बात करें। क्योंकि शुरू शुरू में कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जिसके साथ भी रिश्ते में हूँ वहाँ पर सिर्फ दर्द है, तकलीफ़ें हैं, स्वार्थ है, मतलब है, इस्तेमाल करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। प्यार नहीं उस रिश्ते में, बस एक सामाजिक बंधन है जिससे हम बंधे हुए हैं। या फिर हो सकता है कि इनके बच्चे हों, तो बच्चों की वजह से ये रिश्ते झेल रहे हैं, निभा रहे हैं, वरना ये उस रिश्ते में खुश नहीं है, तभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान तलाश रहे थे जिसके साथ ये खुश रह सकें। ठीक है, इन्होंने हो सकता है कि ऐसी बातें की हों कि हो सकता है कि इन फ्यूचर में उससे डाइवोर्स भी ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, और तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसको मुझसे प्यार नहीं है, तो शायद उसे कोई आपत्ति भी नहीं होगी मुझे डाइवोर्स देने में, इनको ऐसा लगा था। अब ये बातें हो सकता है कि कम हों, लेकिन इन्होंने शुरू शुरू में आपसे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि आप जैसा टैलेंटेड व्यक्ति इस तरह से किसी के झांसे में नहीं आने वाला। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हैं। आप जब इस रिश्ते में आए तो आपने हर एक चीज़ को जाना, परखा कि मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ, तुम मेरे साथ क्यों बढ़ना चाहते हो आगे, क्या वजह है, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। इस तरह की बातें शायद आप लोगों के बीच हुई होंगी। आप हर तरीके से इन्हें परख लेना चाहते थे, हर एक चीज़ जान लेना चाहते थे। आप यूं ही किसी की बातों में फंसने वालों में से नहीं थे, पक्की बात है ये, आप फंसने वालों में से नहीं थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस गए। अब आपको लगता है कि मैं फंस गई हूँ, मैं फंस गया हूँ, तो नहीं, आप फंसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं फंसे। ये आपसे वाकई बहुत प्यार करते थे, हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनका और आपका जैसा भी रिश्ता है, पर बहुत पवित्र है, बहुत प्योर है। वही है कि मजबूरियां हैं। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो ये समझिए कि इस रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। और पता है, कोई है जो इन्हें प्रपोज़ल दे रहा है, हाँ, या तो इनकी फैमिली वाले इनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हें प्रपोज़ कर रही है, इनको लाइक आपसे दूर करने के लिए। पर इनके दिल में, इनकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है। ये अपनी ज़िंदगी में इतने तन्हा थे, इतने अकेले थे, तब आप इनसे मिले, और इस वजह से ये आपका अस्तित्व अपनी आत्मा से मिटा नहीं सकते। आपने जो प्यार इन्हें दिया है, आपने जो अपनापन इन्हें दिया है,
वो ये कभी भूल नहीं सकते। जिस वक्त ये टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे कि शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पर जब ये आपसे मिले थे, या तो अपने पति या पत्नी से बहुत प्रताड़ित थे ये, या तो ये अपने किसी नेगेटिव कनेक्शन से उबर रहे थे, लाइक इनका सेपरेशन चल रहा था, इनका ब्रेकअप हुआ था इनके चीटर पार्टनर के साथ, तो उस टाइम पर ये आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत आभारी हैं ये कि आपने उस टाइम पर इनको संभाला, आपने इन्हें प्यार दिया, आपने ऐसा प्यार दिया जैसा कभी इन्हें किसी ने नहीं किया था ना कभी दिया था, जितना आपने इन्हें समझा, जितने अपनेपन का एहसास आपने इन्हें कराया उतना कभी किसी ने कराया नहीं था। तो आपको तो ये किसी कीमत पे नहीं भूल सकते, चाहे थर्ड पार्टी आ जाए या फिर कोई प्रपोज़ल दे या फिर कोई कितना भी इन्हें लुभाने की कोशिश करे। हाँ, बातचीत हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को, आपके एहसान को ये ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूल सकते, क्योंकि उस समय पर आपने इन्हें संभाला है जब इन्हें इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से अंधेरे में नज़र आ रही थी, जब इनकी ज़िंदगी ने पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही थी। और आज पता है, आज ये बहुत मजबूर हैं, अभी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हम देख रहे हैं, लेकिन इनका ही आपका अनंत जन्मों का रिश्ता सही मायने में। अब ये किसका कर्म है, इनका खुद का कर्म है जो इन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, या अगर ये अनमैरिड हैं तो इनका अपना क्या कर्म ख़राब किया इन्होंने जिसकी वजह से इनको कार्मिक लाइफ पार्टनर मिलने वाला, वो जो मिलके ही रहेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्यार करने की बात जानना चाहते हैं कि क्या उस इंसान ने मुझसे कभी प्यार किया भी था, क्योंकि हम यहाँ पर जो स्ट्रेस की एनर्जी आपकी देख रहे हैं ना, उसमें आपके मन में यही आता है कि क्या कभी इस व्यक्ति ने मुझसे प्यार किया है, एक पल के लिए भी क्या इसने कभी मुझे चाहा है, आज ये मुझे इतना इग्नोर कैसे कर सकती है, कैसे कर सकता है, वो बातें क्या झूठी थी, वो कस्में क्या झूठी थी, क्या था। जैसे कि आपके अंदर ही कई तरह की आत्माएं हैं, एक कहती ऐसा, एक कहती ऐसा, एक कहती ये, एक कहती वो। अपने आप में आप सवाल करते हैं, अपने आप में एक जवाब मिल जाता है, और ये जो सवाल जवाब की झड़ियां लगी हुई हैं ना, ये आपको सिर्फ दर्द 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 दे रही हैं। लेकिन आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा आत्म सम्मान ज़्यादा है, स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं, तो गिड़गिड़ाना झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने पहले कहा था कि अगर कुछ ऐसा कर सको तो रिश्ते में आना, वरना मुझे टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है। अगर ज़िंदगी भर मेरा साथ निभा सको तो मेरी ज़िंदगी में आना, पर उस टाइम पे जो हालात थे वो कुछ और थे, और आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तभी कहते हैं कि कभी भी कोई रिश्ता, कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, नहीं रहती एक जैसे। अब या तो इन पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ठीक है, इनकी पत्नी या फिर पति के द्वारा ब्लैक मैजिक, या फिर इनसे इनकी फैमिली ने शादी के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तो उस बात को लेकर काफ़ी इश्यूज हुए, काफ़ी झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े हुए, तो इनकी फैमिली इन पे ब्लैक मैजिक करवा रही है। दूसरा, या तो किसी थर्ड पर्सन ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ नेगेटिव माया जाल फैलाया हुआ है, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं है जब ये आपको याद ना करते हो। हाँ, पक्की बात है, हर पल, चाहे ये करोड़ों में खेलने लगे, चाहे कितना भी पैसे वाले बन जाएं, मेल हो फीमेल हो, चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन आपका अस्तित्व अपने दिल दिमाग से मिटा नहीं सकते, अपनी आत्मा से मिटा नहीं सकते। जब भी ये अकेले होते हैं, इन्हें सिर्फ आपकी याद आती है, और जब भी कुछ अचीव करते हैं ना, कुछ अच्छा करते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है इनकी लाइफ में, तो आपको याद करते हैं। पहले ही हर बात आपसे शेयर कर लिया करते थे, हर बात आपसे बताते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। अब ऐसा कुछ पूछने वाला कोई है नहीं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन वही है कि अभी इतने इश्यूज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मेलिंग, इस तरह की चीज़ें,
तो बस चुप हैं, शांत हैं, मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इन्हें पता है कि आप इन्हें बहुत, मतलब बहुत ही गलत समझ रहे हो। आप इन्हें, आप दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा रहे होगे कि तुमने टाइम पास किया, तुमने लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने ये किया वो किया। इन्हें सब पता है कि आप क्या क्या बोल रहे होगे, आप क्या क्या सोच रहे होगे, लेकिन उसके बाद भी ये आपको गलत नहीं कह रहे, क्योंकि इन्हें पता है अच्छे से कि जो मैंने किया है या फिर जाने अनजाने जो मुझसे हुआ है, उसके देखते हुए तो आपका गुस्सा, आपके जो तलवार जैसे शब्द है ना, ये जायज़ है। अगर हम फ्यूचर की थोड़ी बात करें, ठीक है, तो देखो ये टूटे हुए तो हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और बंधे हुए हैं किसी ना चाहकर भी नेगेटिव बंधन में, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। इन फ्यूचर ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, इन फ्यूचर ये आपके पास आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रेंथ के साथ एक्शन ले सकते हैं। थर्ड पार्टी तब भी हो सकता है कि उत्पात मचाए, थर्ड पार्टी हो सकता है कि तब भी आप लोगों के एक होने में बहुत बवाल खड़ा करे, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। शायद कुछ ऐसा है जिसके बदलने का ये इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर इनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, इनकी कोई ऐसी जॉब है जो शायद कहीं पर अटके हुए हैं। इनको लगता है बस यहाँ से मैं निकल जाऊँ तब मैं सबको बता दूँगी मैं क्या हूँ। जैसे कि होता है ना कि लोग सोचते हैं कि बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए, मेरी ड्रीम जॉब मिल जाए, एक बार मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं बता दूँगी सबको, फिर पता चल जाएगा सबको, इस तरह की चीज़ें। वरना डियर, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। आपको पता है जो आपका हाल है ना, सेम हूबहू यही उनका भी हाल है। जितना स्ट्रेस, जितनी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आप महसूस कर रहे ना, हूबहू सेम टू सेम इनकी भी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे कि प्रोजेक्शन हो रहा आप दोनों के बीच, मिरर कर रहे हैं आप दोनों की एनर्जी। अच्छा ये बताइए कि आपको जब भी आप कभी इनके बारे में सोचकर सैड होते हैं, आपको कभी मिरर नंबर्स दिखते हैं? मिरर नंबर्स जैसे पता है कैसे होते हैं, 1221 ऐसे होते हैं मिरर नंबर्स। 1010 आपको दिखता होगा, जैसे कि 1331 ये मिरर करने वाले नंबर्स होते हैं। क्या ऐसे नंबर्स आपको दिखते हैं? इसमें ये होता है कि आप दोनों के बीच प्रोजेक्शन चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही इस दर्द से लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, इस दर्द में डूबी हुई हूँ, डूबा हुआ हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी हूबहू है, सेम टू सेम है, हाँ अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आप भी एक समय पे लड़ सकेंगे दुनिया से। सडनली हमें एक बात याद आई, सडनली अगर आप मैरिड हैं आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं और आपसे गुस्सा होकर ये बैठे हुए हैं, तो भी जो भी सिचुएशन है, इन फ्यूचर आप दोनों के एक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन फ्यूचर सारी बलाओं को, सारी समस्याओं को यूनिवर्स साइड करेंगे और आप दोनों को एक करेंगे। इनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो पावर आ जाएगी कि दुनियादारी की परवाह ना करके अपनी खुशियों की परवाह करेंगे ये, और आपके अंदर तो वो पावर कहीं ना कहीं अभी भी है और अभी नहीं है कुछ लोगों के अंदर, तो इन फ्यूचर आ जाएगी। इन फ्यूचर ये बहुत सारी माफ़ी भी मांग लेंगे आपसे, आपको बहुत सारा प्यार भी दे देंगे, आपको मना भी लेंगे, आपको कमिटमेंट भी दे देंगे, आपके साथ शादी भी कर सकते हैं और कहीं दूर जाकर आप दोनों अपनी दुनिया बसाओगे, कहीं दूर, मतलब दूर दूर दूर, जैसे कि अदर स्टेट, अदर कंट्री, ज़्यादातर करके समुद्री इलाका होगा वो, हाँ आसपास समुद्र होगा वहाँ पे, और फिर एक ऐसा रिश्ता कायम होगा, ऐसा रिश्ता कायम होगा जिसमें प्यार 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 प्यार, समर्पण समर्पण समर्पण, बहुत सारा ट्रस्ट, बहुत सारी केयर, हाँ बहुत सारा अपनापन,
इस तरह की चीज़ें होंगी और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे। तो डियर, बहुत प्यार है, बस अभी समय साथ नहीं दे रहा इनका। अभी या तो ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में है, या तो थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्लैकमेल कर रखा है, या तो इनके परिवार वाले इनसे इमोशनली ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस वजह से। तो इनकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल प्योर है और बहुत समर्पित भी हैं आपके लिए, बस अभी मजबूर हैं और इस मजबूरी में ये अभी कुछ कह नहीं रहे, अभी आपको कोई सफाई दे नहीं रहे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमसे कोई सफाई दे तो हमें थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई हमें ब्लॉक कर दे या हमें इग्नोर कर दे पूरी तरीके से, तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा आग लग जाती है कि मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, तो और भी तकलीफ़ होती कि मतलब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सब कुछ झूठ था। कभी कभी जो हम देखते हैं ना, वो सच होता नहीं है, सच एक्चुअल में कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन इंसान दिखा कुछ और देता है। शायद इस वक्त ये इतने परेशान हैं कि अपनी परेशानी आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल, द सन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, द मजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, बड़े पॉजिटिव कार्ड, स्पेशली इनकी फीलिंग्स को लेकर बहुत पॉजिटिव कार्ड। तो ये शक तो अपने दिल दिमाग से आप निकाल ही देना कि उसे मुझसे प्यार है कि नहीं। बहुत प्यार है, बहुत मतलब बहुत प्यार है। तो आप बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव सोच के नेगेटिविटी मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। इस रिश्ते की असलियत, इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि वो मजबूर हैं, अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, और अभी बात करेंगे तो और भी ज़्यादा बवाल हो सकता है, और भी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, कुछ बड़ा इशू हो सकता है। इस वजह से अभी वो चुप हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं समझदारी दिखा के उनका सपोर्ट करें, ना कि उन्हें ब्लेम करें, ठीक है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं आपकी तरह, जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, क्या वो भी आपसे इसी तरह टूट कर प्रेम करते हैं, इसी तरह की मोहब्बत करते हैं? कितना सच कितना झूठ है ये रिश्ता? तो किस तरह का प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, कितने सीरियस हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इन फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और करेंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है हमें। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारे लोगों के बीच इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, ठीक है, और थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है, ठीक है, एज डिफरेंस भी है। और देखो, हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग मिले हैं, और एक बात बताएं आपको, आप मिले नहीं हैं। अब आप आज के बाद आप ये कहना बंद कर देना कि हम मिले हैं,
क्योंकि आप मिले नहीं हैं, आपको यूनिवर्स ने मिलाया है, आपको यूनिवर्स ने मिलाया है। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। थोड़ा वक्त लग गया एक दूसरे के करीब आते आते, लेकिन आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, हैं और रहेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात, अगर आप 100 बातों की एक बात जानना चाहें कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, यस, वो भी आपसे ऐसा ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के हैं, हो सकता है कि अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे बयां ना की हो, हो सकता है कि अब तक इन्होंने आपको ना बताया हो, लेकिन बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे। वो जो अब तक नहीं बताया, वो जो अब तक चीज़ें क्लियर नहीं की, कुछ लोगों के लिए बताएं हम, रीज़न है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न। एक्चुअली जब किसी की ज़िंदगी में 2-4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो इंसान थोड़ा सा चेक करता है सभी को, इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, मतलब कि कंपेयर करता है। तो इन्होंने ना पहले शुरू शुरू में आपको हो सकता है कि इतनी अहमियत ना दी हो, ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी कुछ कम नहीं है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, काफ़ी नॉलेजबल हैं, काफ़ी स्टेबल हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, समझ रहे, बहुत बहुत अच्छे हैं। और सच बताएं तो इनको अपनी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लाइक अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या चल रहा है, कैसा क्या है, वो ये सब कुछ किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन किसी और के बारे में कैसे जानना है, उससे ही उसके दिल की बात कैसे निकलवानी है, ये इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, अपनी तो छुपा के रखते हैं, लेकिन दूसरे की बातें जानने में बहुत एक्सपर्ट हैं ये। ठीक है, ये कोई अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करते होंगे, फिर कोई अच्छा सा इनका बिजनेस होगा, कुछ इस तरह के हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप के भी हैं, अपनी रीति रिवाज परंपराओं का काफ़ी सम्मान करने वाले लगते हैं ये, ऐसे मूल परंपराएं नहीं, लेकिन हाँ जो मानने लायक बातें हैं वो मानते भी हैं। शुरू शुरू में इन पर कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये पलटी भी मार जाने वाले इंसान थे पहले, मतलब कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, लेकिन अगर उसकी कुछ कमी इनको समझ में आ रही है, फिर कुछ भी अगर इनका मन घूम गया, तो फिर सुनने वाले नहीं बिल्कुल भी है। फिर ये नहीं कि नहीं मुझे इस रिश्ते में समझौता करना चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, पहले थोड़ा सा इनका जो मन था ना वो स्टेबल नहीं था, समझ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हो सकता है, इनकी एज हम बताते 30+ ही एज है, तो एक होता है कि इस एज में आकर आगे चलकर इंसान का मन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। ये ऐसे इंसान नहीं थे कि लाइक कोई इनकी ज़िंदगी में आया, वो अच्छा हो बुरा हो उसी को झेलना है, ऐसा नहीं था। तो पहले ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में छानबीन कर रहे थे, आपके बारे में भी बहुत छानबीन की है इन्होंने, इतनी आसानी से तो इन्हें आपसे प्यार नहीं होने वाला था। ठीक है, आप में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, खूबियाँ कौन कौन सी हैं, खामियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, सीक्रेटली जैसे कि स्टॉक करते थे आपको हर जगह पर, और जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं, फिर आपके आसपास जो भी, अगर कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे आपकी धीरे 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 नॉलेज लेते रहना, ऐसे सब कुछ इन्होंने आपके बारे में भी जाना है। तो अब तक इन्होंने जो अब तक चीज़ें क्लियर नहीं की, वो इसी वजह से, क्योंकि कन्फ्यूज्ड थे थोड़ा सा, ये पहले कंपेयर कर रहे थे कि ये वाला सही है, ये वाली सही है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, अब ये क्या बताएं, बहुत श्योर हो गए हैं, अब तो ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, अब तो ये साइन करने के लिए तैयार है किसी स्टैम्प पेपर पे कि हाँ सब
तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। अब मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, अब मुझे कुछ जानना नहीं है। जैसा होता है कि किसी की कसौटी पे खरा उतरना, कि मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, फिर मुझे जैसा इंसान चाहिए था, वो सब कुछ तुम में है बखूबी। एक चीज़ और बता देते हैं, न्यू कनेक्शन है ये। हो सकता है कि ऑफिस में मिले हों, ऑनलाइन मिले हों, ये कोई ऐसा कनेक्शन, पुराना कनेक्शन नहीं है ये, ठीक है। और जब इन्होंने आपको हर तरीके से लाइक नंबर वन पे पाया, कि आप हर किसी से कुछ अलग हैं, आप थोड़े से सरल स्वभाव के हैं, थोड़े से सहज स्वभाव के हैं, आपको ज़्यादा दिखावा करने की आदत नहीं है, जो है सो है, बहुत केयरिंग हैं आप, बहुत केयरिंग, आप थोड़ा सा इनोसेंट टाइप भी हैं, प्योर सोल होती है ना, इस टाइप के हैं आप। जैसे कि इन्होंने जो भी, जब भी, जैसा भी जानना चाहा, आपने बताया, आपको बातें घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, क्लियर बात करना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, आप समझ तो रहे थे कि सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन इनके पास ऑप्शन में और बहुत सारे लोग थे, इसी वजह से इन्होंने इतना समय लगा दिया अपने दिल की बात कहने में, ठीक है। अगर ये आपके क्रश हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जो क्रश हैं बहुत जल्दी अपने दिल का दरवाज़ा खोलने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत जल्दी। इनकी तरफ से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, वो आप सुन लेना, तन्हाइयाँ महफिल बनी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। ये वाला तो आप सुन लेना, और जो दूसरा है वो हम आपको सुनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए और हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं जो इनकी अब फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। अब ये अंजाम की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल पूरी पूरी तरह सहमत हो चुका है आपसे, कि हाँ बेटा, तुम जिसे ढूंढ रहे थे ना, ये वही है, तुम्हें जिसकी तलाश थी,
जिसकी तलाश में तुमने पता नहीं कितनों को छोड़ा पकड़ा, तुमने कितने खेल खेले। अब तुम्हें न किसी को छोड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको पकड़ने की ज़रूरत है। बस इसे पकड़ लो और अब सब ठहर जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। इनकी अंतरात्मा इनसे कहती है, ठीक है, बस फिर क्या है, इन्होंने अपने दिल की बात सुन ली है और बहुत जल्दी ये आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं इन्होंने कह दिया है और कुछ लोगों के लिए बताएं बहुत जल्दी कहने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया है लेकिन शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दिया है या फिर और चीज़ों के लिए कमिटमेंट नहीं दिया है तो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है इनकी तरफ से। पता है, कहीं ना कहीं ये आपको अपने परिवार में बिल्कुल ऐसे देखते थे, परफेक्ट है आप इनके परिवार के लिए। इनके जैसा कि इनका फ्रेंड सर्कल है, जैसा कि इनके परिवार के लोग हैं, इनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तो बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत इनोसेंट, दिल के बहुत अच्छे, दिल के बहुत सच्चे, कोई दंद फंद नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, ये चीज़ इन्हें क्वालिटी बहुत अच्छी लगी आपके अंदर, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप इनको साथ में इनके परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। अक्सर लोग जब देखते हैं ना कि ये जो इतना प्यार व्यार चलता है लेकिन शादी तक बात क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि जैसे ही रिश्ता एक दो महीने, एक दो साल तक गुजरता है तो लोग देख लेते हैं कि ये सिर्फ मुझ तक है, मेरे परिवार तक नहीं है। और देखो, हर किसी को अपने परिवार से प्यार होता है, ठीक है, थोड़े बहुत मन मुटाव, थोड़ी बहुत अनमन तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन इंसान यही सोचता है, चाहे लड़की हो फिर लड़का, वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे भी प्यार करे और मेरे साथ साथ उतना ही मेरे परिवार से भी प्यार करे, वो मेरी भी रेस्पेक्ट करे, मेरे परिवार की भी रेस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ मुझसे प्यार है, मेरे परिवार से प्यार नहीं है, वो मेरे परिवार को नहीं समझ सकता, उनकी केयर नहीं कर सकता, उनका ख्याल नहीं रख सकता। हर कोई अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो थोड़ा सा इस टाइप का हो, पारिवारिक टाइप का, ठीक है, ऐसा नहीं कि परिवार से अलग करने की बात करता हो। तो आपके अंदर ना सारी क्वालिटी इन्हें दिखती हैं, सारे गुण आपके अंदर इन्हें दिखते हैं, तो फिर ये कैसे आपको छोड़ सकते हैं। ये समझ लो कि ये आपसे इतना प्यार करने लगे हैं कि हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपको हर जगह स्टॉक करते रहते हैं। आप जैसे कि एक होता है ना कोई सीक्रेट एडमायरर होता है किसी का, ये बिल्कुल ऐसे पागल हैं आपके लिए। बहुत जल्द आने वाले हैं आपके पास। डिस्टेंस हमने पहले बताया था, यूनिवर्स ने बड़ी प्लानिंग के साथ आप लोगों को मिलाया है और ये आशीर्वाद हो आप दोनों एक दूसरे के लिए ईश्वर का। ये समझ लो कि आपकी बहुत दुआओं का, बहुत प्रार्थनाओं का फल है ये, और इनकी बहुत दुआओं और प्रार्थनाओं का फल हैं आप, समझ रहे हैं। ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिश्ता जोड़ा है ईश्वर ने। एक चीज़ बता देते हैं, बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है ये। जी हाँ, सोलमेट कनेक्शन है ये। अच्छा, चलिए डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख हो सकती है। या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को मिले होंगे। यहाँ पर नंबर 3 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1 बहुत बहुत स्ट्रांग है, नंबर 7 भी, ठीक है। तो हो सकता है कि इस डेट में आप मिले हों, फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, फिर इनका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ जून, मई, जुलाई, जनवरी, मई, ऐसे करके मार्च, हाँ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। तो ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। इन जब से आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जीने का रंग ढंग ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया। जैसे एक होता है ना कि जैसे कि पंख लग जाते हैं, इंसान उड़ने लगता है आसमानों में, जैसे कि ज़िंदगी बदल सी जाती है, दुनिया बहुत रंगीन रंगीन सी लगने लगती, बहुत हसीन सी लगने लगती है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें आप लोगों की तरफ से ऐसा लगता है जो आप रीडिंग देख रहे हैं,
कि या तो आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, तो आपको लगता है कि फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर कोई इशू है जिससे आप बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ रीज़न है, इतने समय बाद आपको कहीं सच्चा प्यार मिला है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यही है वो जो मुझे चाहिए था, या फिर आपको खुद भी फील होता है कि ईश्वर ने हमें मिलाया है, क्योंकि आप दोनों दूर रहकर भी बिना कहे एक दूसरे के दर्द को महसूस कर लेते हैं, एक दूसरे की बातों को जान लेते हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चल जाती हैं एक दूसरे की, क्योंकि अंतर आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है। आप किसी भी कीमत में इन्हें खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत में इन्हें खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम देख रहे हैं, अच्छा कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि शायद मेरे पास फ्रीडम नहीं है मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने की, या फिर आपको लगता है कि आप किसी अनचाहे बंधन में कैद हैं और आप सोचते हैं प्यार तो मिल गया है पर मैं इस बंधन से कैसे निकलूँगी कैसे निकलूँगा। ठीक है, तो कुछ लोग शायद इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन डियर सच बता रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आप इतनी टेंशन ना लें। जिन्होंने आप दोनों को इस तरह से मिलाया है, ऐसे ऐसे कैसे कैसे सोचिए, क्या ये मिलना कोई पॉसिबल था, कैसे कैसे ईश्वर रिश्ते जोड़ देते हैं, कहाँ से घुमाकर फिराकर कैसे कैसे किसको कहाँ से, समझ रहे हैं? तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर आप किसी से प्यार कर बैठेंगे, फिर इस तरह कोई आपकी ज़िंदगी बन जाएगा, ना फिर इन्होंने सोचा था, क्योंकि इनको तो कोई पसंद ही नहीं आता था, इनकी इतनी डिमांड होती थी, या फिर ये इतनी छानबीन करते थे इंसान की ज़िंदगी में, इतने क्वेश्चंस करते थे, ये वो ऐसा है कि नहीं है, तो कोई फिट ही नहीं बैठता था इनके हिसाब से। आप कैसे बैठ गए, आप इनको इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, आपको खुद भी कभी कभी समझ में नहीं आता। सच बताएं तो आपके अंदर क्वालिटी है, वो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपकी जो ये सहजता है ना, आपकी जो सरलता है ना, जो सबके लिए हमेशा प्रार्थनाएं करना, सबकी खुशियों की प्रार्थनाएं करना, सबके दुख को अपना दुख समझना, सबकी मदद करना, इससे पता है आपका ऑरा शाइन करता है, तो आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ती जा रही है। वैसे आप भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हर तरीके से आप भी हमें स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बस आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या है, कोई मजबूरी है, और इनकी ज़िंदगी में तो जो मजबूरी थी, जो समस्याएं थी, इनको तो आप इस तरह से ना देखें कि किसी मजबूरी की वजह से ये आपको छोड़ देंगे। इनकी ज़िंदगी में जो भी मजबूरी हो, जो भी समस्या हो, आपके लिए ये उस मजबूरी को छोड़ देंगे, पर आपको नहीं छोड़ने वाले, समझ रहे हैं? पहली बार तो ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिला है इतना प्यार करने वाला, इतना समझने वाला, दिल की हर बात बिना कहे जानने वाला, और एक ऐसे इंसान को ये कैसे खो सकते हैं? तो इनकी जो भावनाएं हैं ना, बहुत सच्ची हैं, और इनका जो प्यार है आपके लिए बहुत सोल लेवल का है, आत्मा वाला प्यार है, समझ रहे हैं? कोई फिज़िकली अट्रैक्शन नहीं है, और इन्होंने ज़िंदगी में बहुत तरह के लोग देखे हैं। हम बता रहे हैं ना कि पहले शुरू में कंपेयर कर रहे थे, और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अब आप इनकी ज़िंदगी में आखिरी हो, अब आपके बाद कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने देख लिया, अब और देखने में ज़िंदगी नहीं बितानी इन्हें, इन्होंने हर चीज़ को बहुत गहराई से समझ लिया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जिन्होंने आपको मिलाया है वो इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाएंगे, और उन्हें ईश्वर कहते हैं, ठीक है? ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा कभी कभी जब ये गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, तो इनकी कोशिश ये होगी कि काश आप समझ लो, इन्हें बताना ना पड़े, ठीक है? थोड़ा सा शायद शेयर नहीं कर पाएंगे, नेचर होता है किसी किसी का, बस इतनी सी इनकी ख्वाहिश है आपसे, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है,
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।